न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही राज्य के विकास कार्यों में भी तेजी आ गई है। सीएम योगी ने आज संत कबीर नगर और कुशीनगर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश पर जमकर हमला बोला और गरीबों को मिलने वाले राशन का जिक्र किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आज गरीबों को राशन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। उन्होंने कहा कि आज इन गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता। अगर कोई गरीबों का राशन हजम करेगा तो वो जेल जाएगा। तो सीएम योगी का कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने कई परियोजना का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिक्षक सम्मेलन में शामिल होकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना ही विपक्षी दल पर निशाना साधा। साथ ही कोविड-19 की लहर की आशंका पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों पर कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कमेटी द्वारा लगातार की जा रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इससे घबरा गया है और हैदराबाद और बंगाल से कुछ लोग आ रहे हैं, विपक्षी जनों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों की मनसा पूरी नहीं होगी। तालिबानी सोच रखने वाले विपक्षी महिलाओं को बराबरी का सम्मान नहीं देते, लेकिन हमारी सरकार में महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दिलाने का आदेश सभी सरकारी स्कूलों में भी दिया गया है। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे आया है और हर जिलों को हिदायत दी गई कि हमारे स्कूल कॉलेज के 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को और जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण किया जाए। ये जिलेवार जो अभियान है वो बड़े सफलतापूर्वक चल रहा है और टीकाकरण हमारे चरम बिंदु पर पहुँच रहा है। घर घर मेडिकल किट्स को बांटने के लिए हमारे 74,000 जो निगरानी समितियां हैं जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा बहुएं हैं, ग्राम सेवक हैं, ग्राम प्रधान हैं, हमारे पार्षद हैं, ये लोग मेडिकल किट्स का वितरण कर रहे हैं। हमारे लगभग जिनको कहना चाहिए 5500 के आसपास हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको स्वीकृत किया गया है। आगरा में सिकंदरा स्थित DVVNL सभागार में रविवार को SN मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने फीता काटकर किया। शिविर में DVVNL के अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने डेंगू से बचाव के लिए जनता से बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर महादान करने की अपील की। MD अमित किशोर ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में DVVNL परिवार डेंगू से ग्रसित मरीजों के साथ खड़ा है। ऊर्जा भवन के सभागार में यह शिविर SN मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से लगाया गया है। प्रोटोकॉल ऑफिसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने शिविर की जानकारी दी। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से 3 दिनों से लापता बैंक कर्मी की लाश उन्नाव में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि क्षेत्र से एक और ट्रांसपोर्ट व्यापारी के गायब होने की खबर सामने आ गई है। बता दें कि व्यापारी 2 सितंबर को घर से अपने दोस्त के साथ निकला था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
8 सितंबर को युवा ट्रांसपोर्ट व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यापारी कहाँ है और किस हालात में है इसका कुछ पता नहीं लगा है। परिवार अपने बेटे की खोज में लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है। बढ़ती घटनाओं के बाद परिवार को डर है कि बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। लापता व्यापारी की पत्नी प्रांजलि ने बताया कि जिस दिन पति घर से गया उसी दिन रात 1:30 बजे से फोन बंद आ रहा है। अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट जरूर लिख ली है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। पति की लाश लोकेशन भी पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। तो कानपुर का यह पूरा मामला है जहां पर ट्रांसपोर्ट व्यापारी की तलाश जारी है। 2 सितंबर को बताया जा रहा है कि दोस्त के साथ निकला था यह व्यापारी, जो रात के 1:30 बजे से जिसका कनेक्टिविटी बंद हो गई, जिसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है, और अभी तक ना ही लास्ट लोकेशन पता चली है और ना ही पुलिस किसी भी तरीके का कोई सुराग लगा पाई है। तो मामला पूरा कानपुर का है जहां पर ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण होने की आशंका जता रहा है परिवार और लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है। साथ ही उनका आरोप यह भी है कि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी अपडेट उनको नहीं दिया है। मेरे हस्बैंड 2 तारीख को घर से निकले हैं 1:30 बजे के आसपास, उसके बाद घर वापस नहीं आए हैं। यहाँ से हिमांशु अवस्थी और छोटू के साथ निकले हैं और उनका कहना है कि हमने टाट की पुलिया पे मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया है, बट मेरे हस्बैंड का ना कोई कॉल आया है, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं आया, ना उनका कुछ पता चल रहा है। रात में 1:30 बजे से उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। प्रियांशु पांडे, नवनीत पांडे, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। 2 तारीख को प्रियांशु पांडे उर्फ नवनीत पांडे ये यहाँ घर से निकले हुए हैं। ये अपना जो है इनके साथ में हिमांशु, उनको घर से लेने आए हैं। हिमांशु के साथ ही निकले, हिमांशु और छोटू दो लोग गए हैं इनके साथ में, और इनके साथ ये यहाँ से गए हुए हैं। उसके बाद इनका आज तक कोई खैर पता भी नहीं चल रहा है। मैं फिर गया थाने जाने बाद फिर मुझको पता लगा कि उस्मानपुर चौकी जाइए। उस्मानपुर चौकी गया, उस्मानपुर चौकी में जा करके मैंने तहरीर दी है 5 तारीख को। फिर 5 तारीख को तहरीर देने के बाद फिर मैंने जानकारी करने गया कि इसमें क्या हुआ 6 तारीख को। तो उन्होंने ठीक है बता रहे, तो उन्होंने भेज दिया हमको थाने कि अब आप थाने जाइए। फिर मैं थाने गया हूँ 7 तारीख को, 7 तारीख उन्होंने कहा, 8 तारीख को उन्होंने फिर मेरी रिपोर्ट लिखी है थाने में। 8 तारीख को रिपोर्ट लिखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है अब आपने फ़ोटो दे दीजिए। तो मैंने उनको जा करके शाम को उनकी सब फ़ोटोएँ दी हैं। फ़ोटो देने के बाद उन्होंने कहा ठीक मैं बताता हूँ। फिर 9 तारीख को मैं गया, उनकी कोई अपडेट पता लगा, कुछ जानकारी हुई, तो उन्होंने कहा अभी कोई जानकारी नहीं हुई है हमको, आप अपने स्तर से देखते रहिए, कोई अगर हमको होती है तो मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 तारीख को भी यही हुआ और 11 तारीख को भी, आज तक उन्होंने कोई अपडेट हमको। तो ट्रांसपोर्ट व्यापारी की तलाश जारी है ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन परिवारीजनों का आरोप है कि पुलिस अभी तक किसी भी तरह का सुराग लगाने में नाकामयाब रही है। तो ट्रांसपोर्ट व्यापारी का ये पूरा मामला जहाँ पर 1:30 बजे रात के लास्ट उनका फ़ोन आया था, खबर मिली थी, जिसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है और अभी तक ट्रांसपोर्ट व्यापारी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं पत्नी का कहना है कि पति का फ़ोन 1:30 बजे जब स्विच ऑफ हुआ उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं लगा है। लास्ट लोकेशन भी पुलिस ने नहीं दी है और इसके साथ ही अब वो एक आशंका में है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं कानपुर में देखने को मिल रही हैं, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां पर एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी का पहले अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उनका शव मिला था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बताइएगा, ट्रांसपोर्ट व्यापारी गायब हुए इतना समय हो चुका है, पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सके, और इसके साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि लास्ट लोकेशन निकालने में भी पुलिस अभी तक नाकामयाब रही है, क्या अपडेट क्या रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए कानपुर में कमिश्नरेट लागू है और पुलिस कमिश्नर जो है वो लगातार इस तरफ प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, इस तरफ कहते हुए दिखाई देते। कानपुर की जो पुलिसिंग है वो जो है अत्याधुनिक तरीकों से जो है अपराध को रोकेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह के वाक्य सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि अत्याधुनिक पुलिसिंग तो नहीं दिखाई देती, लेकिन पाषाण युग में जिस तरह से होता था उस तरह की पुलिसिंग जरूर कानपुर में दिखाई दे रही, क्योंकि अब तक जो है इसका जो है लास्ट लोकेशन नहीं निकाली जा सकी है, ना ही लास्ट कॉल का पता लगाया जा सका है, यानी कुछ भी पुलिस नहीं किया, सिर्फ और कानूनी कार्रवाई के नाम पर एक गुमसुदगी मात्र दर्ज की है। जी जी आशीष, इससे पहले भी बताया जा रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण हुआ था और उसके बाद उनका भी शव मिला था, ऐसा पत्नी का कहना है, क्योंकि पत्नी की आशंका जता रही है कि इनके साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए,
तो पहले वाला क्या मामला है जहाँ पर शव मिला था बताया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यापारी का शव जो है केमिकल के ड्रम के अंदर भरा हुआ कानपुर के पास का जिला है उन्नाव में पाया गया था, उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। इसी बात पे आतंकित होकर जो है जो पीड़ित है उसकी पत्नी जो है लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही है। एक संशय उसके मन में है कि कानपुर पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है और कुछ नहीं कर रही है। इस पूरे मामले पर वो मीडिया से भी गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, उसके अधिकारियों से भी गुहार लगाती नजर आ रही है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करे, पता लगाए कि आखिरकार उसका पति कहाँ पर है। जी आशीष, प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है क्या मामला हो सकता है, क्योंकि परिवारीजन जिस तरीके की आशंकाएं जता रहे हैं, तो क्या कोई कौन शामिल हो सकता है, कोई आपस का ही कोई कॉम्पिटिटर है जो शामिल है, किसके द्वारा? बिल्कुल देखिए, परिवार का जो साफ तौर पर आरोप है वो उसका साफ कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ गया था और उसके बाद से जो है उसका पता नहीं। दोस्तों का साफ तौर पर कहना है कि जो वो उसने जो है एक जगह पर छोड़ दिया था, वहां से वो अपने काम से चला गया था और मैं अपने काम से चला गया था। इस तरह की वाकई निकल कर सामने, लेकिन सबसे खास बात है कि टेक्निकल इशू है, इसमें पुलिस को ये पता लगाना चाहिए कि लास्ट लोकेशन कहाँ पर थी, इसकी लास्ट कॉल कहाँ पर थी, आखिरी समय में बात वार्ता किससे हुई है। ये सारी चीजें वो तथ्यात्मक थी जिनको वैज्ञानिक तरीके से पुलिस को अब तक पता लगा लेना चाहिए था और अब तक इस पूरे मामले में बरामदगी भी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे मामले में कोई तथ्य जो है अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा और ना ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की है। जी कावेन, हो या फिर और किसी तरह के मामले हो, लेकिन बार बार जो आरोप लगते हैं वो कानपुर पुलिस पर ही लगते हैं, कानपुर पुलिस की लापरवाही आए दिन निकलकर सामने आती रहती है, इस पर किसी तरीके की अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आला अधिकारियों की तरफ रवैया है, आला अधिकारियों का साफ तौर पर देखा जाए तो आला अधिकारी मीडिया से रूबरू भी नहीं होना चाहते और किसी मामले में कोई ठोस रणनीति या ठोस बयान भी नहीं देना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर अगर देखा जाए तो लचर रवैया इस तरह का नजर के आता है कि जो उनके मातहत हैं और जो उनके थाना इंचार्ज हैं, SSOs हैं, वो इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। आए दिन की ये व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई न होने से कहीं ना कहीं जो जो पुलिस कर्मी है उनका मनोबल बढ़ता है और इस तरह के वाक्य जो है रोज लापरवाही के निकलकर सामने आते हैं। इसी कारण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 सितंबर को ट्रांसपोर्ट व्यापारी दोस्त के साथ निकले थे, जिसके बाद अभी तक घर लौट कर नहीं आए। ऐसे में परिवारजनों का कहना है कि पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, ना ही पूरी तत्परता के साथ इस केस पर काम कर रही है। बुलंदशहर में खूनी संघर्ष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मामूली विवाद में जमकर दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले थे, जिसमें एक युवक चाकू लगने से घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बकर कस्बान का है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो बुलंदशहर का यह पूरा मामला है जहां पर मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका किसी ने वहां वीडियो बना लिया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 18 पुलिस की टीमों ने ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले 81 अपराधियों का सत्यापन करने के लिए अभियान चलाया। जेल से छूटकर आए लूट डकैती तस्करी गौकशी के अपराध करने वाले अपराधियों को पुलिस ने घर घर जाकर उनका सत्यापन किया है। पिछले 10 सालों में अपराध कर चुके अपराधियों की सूची बनाकर पुलिस ने वर्तमान स्थिति जानी है। CO ब्रह्मपुरी अमित राय ने कई थानों के फोर्स के साथ ब्रह्मपुरी क्षेत्र में अभियान चलाया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मेरठ पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है जहां पर अपराधियों के घर घर जाकर उनका सत्यापन किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जो लोग जेलों से छूटकर बाहर आए हैं, जो कि गौकसी में, हत्या में, लूट में, डकैती में, ऐसे तमाम मामलों में जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो लोग जेल में बंद थे या उससे छूटकर बाहर आ चुके हैं, उनके घर घर जाकर सत्यापन का काम किया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये सब पुलिस जो है हरकत में नजर आ रही है। अब ऐसे में जो भी अपराधी हैं जिनके ऊपर पहले कोई मुकदमे चल चुके हैं या जेल से छूटकर बाहर आए हैं, अब उनका सत्यापन करने का काम मेरठ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।
सहारनपुर के थाना कोतवाली देवबंद के मोहल्ला कोहला बस्ती में एक दर्जन महिला और पुरुषों ने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के घर में घुसकर हमला बोल दिया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सड़क पर मारपीट होने लगी, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने चार वाहनों को सड़क पर जमकर पीटा, जिसकी चीख पुकार सुनकर भीड़ जमा हो गई। पूरा मामला मोहल्ला कोहला बस्ती का है, जहां नौशाद और यामीन का घर आसपास है। दोनों परिवार दिया बत्ती बनाने का कार्य करते हैं। ग्राहकों को लेकर दोनों परिवारों में रंजिश चली आ रही थी। यामीन ने कुछ दबंगों को इकट्ठा किया, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं, और नौशाद के परिवार पर हमला बोल दिया। सड़क के बीच में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में चार सगी बहनें सादकीन, सालेहा, सानिया व शिफा घायल हो गए। नौशाद गरीब और कमज़ोर परिवार से आते हैं, जबकि यामीन का परिवार दबंग किस्म का है और नौशाद के परिवार के साथ पहले भी मारपीट की जा चुकी है। दबंगों का कहर जारी है, घर में घुसकर ये पूरी वारदात की गई है। तो सहारनपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर दबंग किस्म के लोगों ने बहनों के साथ घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। चार सगी बहनों को जमकर मारा पीटा है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क के बीचों बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, इसके बाद सड़क पर निकाल कर भी चार बहनों को जमकर पीटा है। आगरा में थाना इरादत नगर पुलिस का कारनामा देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुलिस हत्या को एक्सीडेंट बताने में जुटी है। शहर के लिए दूध लेकर निकले सुल्तान की गांव के ही कुछ लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी कड़ी में दूसरी बाइक पर आ रहे मृतक के भाई ने हत्यारों की पहचान की और थाने में शिकायत के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। दरअसल युवक की हत्या 3 सितंबर को इरादत नगर में हुई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को थाने में बुलाकर पैसे ऑफर किए जा रहे थे कि हत्या के बदले एक्सीडेंट के FIR दर्ज कराएं, जिस पर उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसके बाद से ही अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय केस को एक्सीडेंट का रूप देने में क्यों लगी हुई है। इधर पीड़ित का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तो आगरा की यह पूरा मामला है, जहां पर हत्या को एक्सीडेंट बताने में पुलिस जुटी हुई है। ऐसे में मृतक के परिजनों का साफ कहना है कि इससे पहले भी पुलिस ने थाने में बुलाकर पैसे ऑफर करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को हत्या ना बताकर इसको एक्सीडेंट में बताइए और उसी मामले में आप रिपोर्ट भी दर्ज कराइए। जिसके बाद अब मृतक के भाई ने साफ तौर पर सीधे कहा है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो वो आत्मदाह कर लेंगे। मेरठ में कार सवार हमलावरों का अस्पताल में धावा बोलते हुए हॉस्पिटल में घुसकर मारपीट की है उन्होंने, और साथ ही तोड़फोड़ करते हुए नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा गार्ड को भी पीटा है। फिलहाल ये पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार समेत हमलावरों को अरेस्ट कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। सहारनपुर की बेहट कोतवाली इलाके के सलोनी गांव में देर रात पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प भी देखने को मिली। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से लैस थे। हंगामे और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोग फरार हो गए। हालांकि हंगामे और झड़प की ये पूरी घटना किसी शख्स ने मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो को वायरल कर दिया। बेहट पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। तो सहारनपुर का यह मामला है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस पूरी घटना का किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कुशीनगर के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक करके बीमारियों से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। सर्किट हाउस में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और BJP के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
सर्किट हाउस में ही स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ, सीएमएस और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। लगभग एक घंटे चली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने बिंदुवार समीक्षा की है। इस दौरान सीएमओ ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से अवगत कराया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया है। मीडिया से मुखातिब हुए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर टीकाकरण किया है। आज उत्तर प्रदेश टीकाकरण में पूरे देश में नंबर एक पर विराजमान है। तो कुशीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सीएमएस, सीएमओ समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही वहां पर उन्होंने समीक्षा भी की, अस्पताल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके साथ ही वहां मौजूद सीएमओ ने कहा कि अस्पताल में सिर्फ चिकित्सक की कमी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये समस्या भी जल्द ही दूर कर दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को पकड़ लिया है। अभियुक्तों के पास से नाजायज असलहे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने गुरुद्वारे में घुसकर चोरी की थी, जिसकी सूचना गुरुद्वारा कमेटी ने संपूर्ण नगर पुलिस को दी थी, जिसके बाद संपूर्ण नगर पुलिस की तरफ से वीडियो फुटेज के आधार पर दो युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। तस्वीरें लखीमपुर से हैं, जहां पर गुरुद्वारे में चोरी करने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बबली नाम की महिला खिलाड़ी का शव मिला था। इस घटना को लेकर आज रेलवे एसपी मुरादाबाद अपर्णा गुप्ता ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर मृतका के घर वालों से बातचीत की और जल्द ही घटना के खुलासे की बात कही है। इस घटना को लेकर एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि महिला खिलाड़ी का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। परिजनों की तहरीर के आधार पर जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला खिलाड़ी के शव का आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। तो बहराइच का यह पूरा मामला है, जहां रेलवे ट्रैक के पास महिला खिलाड़ी का शव मिला था, जिसके बाद आज एसपी रेलवे के परिजनों से मिलने पहुंची और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने एफआईआर पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब पीएम उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। तीर्थ पुरोहितों के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वो इस मामले का संज्ञान ले और इसकी जांच पड़ताल कर कार्रवाई करे, साथ ही कार्यों में तेजी लाए, जिससे यात्रा से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सके और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष कौर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य पर सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। सरकार पर सीधे तौर पर फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है।